नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास लेट्स क्रैक टीईटी पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिएगा दोस्तों, मैं आपको यहां पर इतिहास में करा रहा हूं, आपको वन बाय वन करके आपके टॉपिक करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था विदेशी यात्रियों का विवरण कराया था, और आज मैं उससे आगे बढ़ करके आपको जो मैं आपका जो ये टॉपिक लेकर के चला हूँ, मैंने शुरुआत की है यहाँ पर इतिहास के स्रोत से। अब इतिहास के जो स्रोत हैं आपको वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये मैं आपको काफ़ी बता चूँगा। चलिएगा पहले क्लास में चलते हैं, उसके बाद में इस पर अच्छा खासा डिस्कस करते हैं ताकि क्लास आपकी अच्छी हो जाए और आपको अच्छा भी लगे। चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका। यहां से शुरुआत करेंगे आज हम आपकी। तो दोस्तों, मैंने आपको कराया था कि इतिहास के स्रोत के बारे में हम अगर यहां पर करते हैं और ये देखते हैं कि हमें कहां कहां से जानकारियां मिलती हैं, तो आप पाएंगे उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। आप उसे तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला होगा आपका ब्राह्मण साहित्य होगा, दूसरा आपका पुरातत्व होगा, और तीसरा आपका विदेशी विवरण होगा। अब जो आपका ब्राह्मण साहित्य है उसे आप दो भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से भागों में आप उसे बांटेंगे? ब्राह्मण साहित्य में रखेंगे आप उसे, और आप उसे अब्राह्मण साहित्य में रखेंगे। मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में पूरा विस्तारित बताया है, जिसमें मैंने आपको वेदों को बताया है, यानी कि ब्राह्मण साहित्य का जो अंग है या जिनके माध्यम से ब्राह्मण साहित्य के बारे में पता चलता है वह सब मैंने आपको बताया है। अब यहां पर कौन कौन से अंग है जिससे आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में पता चलता है। नंबर एक आपका वेद है, वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिन्हें कहा गया है कि गुरु के समीप बैठकर या गुरु के चरणों में बैठ करके उनका सृजन किया गया है। उसके बाद वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग जो है आपका, इन्हें जो है उपनिषद और वेदों का व्याकरण कहा गया है, इनकी संख्या 6 होती है। इसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा है पुराण, पुराणों की संख्या 18 होती है, और उसमें आपको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो है यानी कि उनके अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत किस न किस राजा की वंशावली आपको मिलती है। ये बात यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप काव्य और महाकाव्य की तरफ चलते हैं। तो अब जैसे अगर बात करें आप काव्य की, तो आप यहाँ पर काव्य महाकाव्य की बात करें तो आपके पास में दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। नंबर एक आपका महाभारत है, दूसरा आपका इसमें रामायण होता है। अब महाभारत और रामायण की अगर बात की जाए तो आपको पता चलता है कि महाभारत और रामायण में अगर हम देखते हैं तो एक समानता जरूर है कि यहां पर कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के युद्ध हुआ था, और जिसमें हमेशा धर्म की विजय हुई है। आगे चलते हैं, इसमें अगर देखा जाए रामायण और महाभारत में, तो महाभारत को रामायण से पहले लिखा बताया जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि रामायण को जो लिखा है उसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। अब वेद व्यास जी वो एक ऋषि रहे हैं जिन्होंने वेदों की संकलन किया है, या वेदों को इकट्ठा किया है, या उनका सृजन किया है शुरुआत में। तो यहाँ पर देखते हैं वे सबसे प्राचीन धरोहर मानी जाती हैं, और महाभारत भी उन्हीं के साथ में माने जाते हैं। यही कारण है कि वेदों का संकलन जो किया है वो महर्षि वेदव्यास जी ने किया, और महाभारत को भी उन्हीं ने लिखा है। तो उसका मतलब यह होता है कि महाभारत रामायण से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, यानी कि घटना घटी भी नहीं थी और उसे लिख दिया गया था। जबकि रामायण की अगर हम बात करते हैं, रामायण महाभारत की अपेक्षा छोटा भी है और बाद का लिखा हुआ भी है। इसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, और यह आप देखते हैं इसमें क्या पाते हैं कि इसे जो इसमें 18,000 रचनाएं हैं, जबकि महाभारत में 24,000 रचनाएं हैं। यह महाभारत से छोटा भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह था आपका, इसके बाद में स्मृतियां आते हैं, जैसे मनुस्मृति आपका, ब्रह्म स्मृति आपका, नारद स्मृति आपका। तो यहाँ पर स्मृतियां भी होती हैं, जैसे मनुस्मृति है, इसे दूसरी ईस्वी में लिखा गया, शताब्दी में, यानी कि दूसरी शताब्दी में लिखा गया था, और इसमें जो है जीवन को जोड़ करके और राजाओं द्वारा यहाँ पर ये राजाओं के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से यहाँ पर रहना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस तरह का अनुशासन को मानना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद में आप आते हैं पुरातत्व की तरफ। उसको मैंने अभी आपको कराया नहीं है, लेकिन मैंने विदेशी विवरण आपको कराया है, जो आपका क्लास में, पिछली क्लास में आपको मिल चुका है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको ब्राह्मण साहित्य का जो दूसरा अंग है, अब्राह्मण साहित्य, आज मैं आपका उसमें कराने जा रहा हूं। अब अब्राह्मण जो साहित्य आपका, ब्राह्मण साहित्य जो है आपका, इसके अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आप दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण ले जाएंगे। नंबर आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म होगा, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर जैन धर्म होगा।
यानी कि आपको यहाँ से भी जो है स्रोत मिलते हैं, यहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आप यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जिससे आप करेंगे यहाँ पर अच्छा ही अच्छा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ में आगे बढ़ते हैं, आज आपका अब्राह्मण साहित्य से उठाते हैं और बौद्ध धर्म की तरफ चलते हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा, आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में सारी आपको बारीकियाँ बताऊँगा, जहाँ जहाँ से यहाँ से आपको मिलता है और आप यहां पर देखते भी हैं। तो दोस्तों यहां देखेंगे, ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। अब गौतम बुद्ध जो है शाक्य मुनि रहे हैं, यानी कि उन्हें शाक्य मुनि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो शाक्य परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है, यानी कि वो शाक्य कुल के प्राणी थे, इसलिए उन्हें जो क्या कहा गया है, शाक्य मुनि भी कहा गया है, ठीक है। उन्हें तथागत गौतम बुद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसलिए उन्हें यहाँ पर तथागत का नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। यही स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुमनन स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि हिंद बुधे जाते, यह बुद्ध जन्म यहाँ बुद्ध जन्मे थे। अब ये देखेगा, अगर आपको लगता है कई बार लोग कह देते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो भारत में हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो यह जगह पड़ती है ये भारत से दूर पड़ती है, यानी कि नेपाल में पड़ती है और भारत के लगभग समीप पड़ती है। तो यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, लेकिन जितनी भी शिक्षाएँ प्राप्त की हैं और ज्ञान प्राप्त किया है तथागत गौतम बुद्ध ने, वो आकर के आपका जो है सारा बिहार बोधगया में प्राप्त किया है। तो आज पढ़ेंगे इसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो देखिएगा यहां पर सूत निपात में शाक्यों के हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज्य के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इस प्रकार के राजा सुधोधन बुद्ध के पिता एवं माया देवी उनकी माता प्रसिद्ध रही हैं। अब देखिएगा जो रहे हैं सिद्धार्थ जो रहे हैं वो सुधोधन के बेटे रहे हैं और इनकी माता थी जो आपकी माया देवी रही है, ठीक है, यानी कि महामाया जो है वो तथा गौतम बुद्ध की माता रही, इन्हें महामाया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने भी जिस समय तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने संघ का निर्माण किया, तो जब महिला संघ में गई तो उन्हें बार बार तथागत गौतम बुद्ध ने जाने से मना किया, लेकिन जब महामाया यानी कि उनकी माता काफी बार जाकर के निराश होकर के वापस आ गई, तब तथागत गौतम बुद्ध ने आनंद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे उनके कहने पर उन्हें आने की अनुमति दी और उनसे कहा कि जो आप देख रहे हैं ये आप याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर यह संघ आपका 1000 वर्ष चलने वाला था तो इसकी अब जो है उम्र केवल और केवल कितना रह जाएगी, इसकी केवल और केवल उम्र अब जो है 500 ईयर ही रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ जाइएगा यहाँ पर। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। अब देखिएगा उस समय एक प्रथा हुआ करती थी कि बेटे के साथ में माता का नाम जरूर जोड़ा जाता था, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा और ये इनकी मौसी थी, क्योंकि जो महामाया थी उन्होंने जब जन्म दिया उसी के 1 सप्ताह के बीच में तथागत गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया और उनका जो लालन और पोषण क्या है वो उनकी मौसी ने महाप्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के समकालीन। अब देखेगा यहाँ पर बुद्ध के समकालीन कौन कौन से ऐसे शख्स रहे हैं जो बड़े फेमस भी रहे हैं और जिनके बारे में ये साक्ष्य मिलता है इतिहास के द्वारा कि ये सभी उस समय के लोग हैं जब तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा नंबर 1 आपका बुद्ध के प्रमुख गुरु थे, यहाँ पर आदि गुरु रहे हैं आला रहे हैं, कलम रहे हैं आपका उदाकारा रामपुत्र रहे हैं, सूरज आजाद आदि रहे हैं। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद अनिरुद्ध, देखिए आनंद भी है अनिरुद्ध भी है महाकश्यप भी है रानी खेमा है, ये एक महिला रही हैं रानी खेमा। उसके बाद में महाप्रजापति गौतमी जो अभी आपने सुना था, यानी कि उनकी जो मौसी हैं उनकी जो माँ हैं वो रही हैं महिला रही हैं। भद्रिका भृगु
किम्बाल, देवदत्त और उपाली और उंगलीमाल आदि रहे हैं। अब देखिए उंगलीमाल इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण शीर्षक यहाँ पर एक अलग शख्सियत रही है। उंगलीमाल एक ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य को मार देता था, यानी कि आसपास के मनुष्य को मारता था और उनकी उंगली को काट करके अपने गले में डाल लेता था, इसलिए कि वह गिनती करता था कि मैंने कितने लोगों को यहाँ पर मार दिया है। ठीक है, इसी नाम पर उसका नाम यहाँ पर क्या पड़ा, उंगलीमाल पढ़ा था। तो उंगलीमाल ने यहाँ पर उंगलीमाल को भी तथागत गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी और उसे भी जो है उसके पाप से अलग किया और उसे ये बताया कि किस तरह का आचरण करना चाहिए, और उसको ये बात समझ में आई और उसने स्वीकार किया और उसके बाद में वह बहुत बड़ा भिक्खु बना। ठीक है, यानी कि भिक्खु यानी कि भंते बने और ये उनके समकालीन रहे हैं। आगे चलते हैं, नंबर एक, गुरु आलारा कलम और उदा रामपूत ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते आला कलम और उदका रामपूत के पास पहुंचे। अब ये जो रहे हैं जिस समय इनके पास में पहुंचे थे तो वहाँ पर घूमते घूमते पहुंचे, वो चाहते थे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, इस बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और वह घूमते घूमते इनके पास में पहुंचे। उन्होंने योग साधना सीखी। अब देखेगा इन्होंने यहाँ पर योग साधना सीखी और यहाँ पर 7 कुंडलियों को ही जगा पाई, यानी कि 7 कुंडलियों को जगाने के लिए तो इन्हें यहाँ से जानकारियाँ मिली, लेकिन इन्होंने कहा या इन्होंने माना या इन्होंने इस बात को दोहराया कि 7 तो सब ही करते हैं, मुझे 8वां भी जगाना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। यही कारण था कि तथागत गौतम बुद्ध ने उसको जाना और उसका ज्ञान सबको दिया और वह यहाँ पर इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कहलाए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उर्वेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। अब देखेगा इनको भी छोड़ने के बाद में यहां से उर्वेला चले गए और वहां जाकर के घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने का इनका जो पैरामीटर था कुछ इस तरह से था कि वो इतनी घोर तपस्या कर रहे थे कि उन्हें बरसात आंधी तूफान किसी का कुछ भी पता नहीं था और उन पर दीमक भी लग गई थी, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। ठीक है, 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए, सिद्धार्थ की तपस्या सफल हुई तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। अब जब वहां पर तपस्या कर रहे थे तो वहां से कुछ स्त्रियां वहां से निकली और सिद्धार्थ के पास में वह पहुंची, तो वहां पर क्या होता है, उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। अब देखिएगा वीणा के यहाँ पर उनका एक गीत जो वो गीत गा रही थी तो गीत के बोल कुछ इस तरह थे, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए, बात सिद्धार्थ को जच गई। अब यहाँ से तथागत गौतम ने एक प्रेरणा ली कि यहाँ पर जो है कोई सा मतलब तार को इतना भी ना खींचो कि वह टूट जाए और उसे इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले, अर्थात उन्होंने कहा यहां पर मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है, ना ज्यादा अधिक हो सकता है और ना ज्यादा कम हो सकता है, इस बात को उन्होंने यहां पर बताने का प्रयास किया। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं है, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग की ही ठीक होता है, बस फिर क्या था कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जब घोर तपस्या 6 वर्षों तक की और वह इसमें सफल नहीं हो पाए, इस गीत को उन्होंने सुना तब उन्हें पता चला, क्योंकि आहार में उन्हें अपने आप को इतना कम आहार लेने वाला बना लिया था कि वह केवल और केवल 24 घंटे में एक चावल का दाना ही ले रहे थे और वह सूख करके एकदम ढांचा हो गए थे, तब उन्होंने इस गीत को सुना और फिर से उन्होंने आहार लेना शुरू किया और उनके जो साथी थे उस समय इस बात को देख करके वहां से छोड़ करके भी चले गए थे, ये बात भी आप याद रखेंगे। तब उन्होंने इसके बाद में 6 महीने की जो कठोर तपस्या की उसमें आकर के उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा इनका जो शिष्य है आनंद है। ठीक है, इनका एक शिष्य का नाम आनंद है जो हमेशा तथागत गौतम बुद्ध के साथ में रहा है और उन्होंने ही बाद में आकर के तथागत गौतम की शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातों को बताया और यह उनके सच्चे शिष्य रहे हैं। यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो आनंद हैं उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के साथ में 20 वर्ष व्यतीत किए हैं और उनकी पूर्णतः सेवा की है और उनको जाना भी है। तो यहाँ पर देखें, यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण
स्मरण के पश्चात प्रबोध प्राप्त हुआ, वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखिएगा, जब बुद्ध का निर्वाण हो गया तो उसके पश्चात प्रबोध उन्हें प्राप्त हुआ है और वह अपने स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि स्मरण शक्ति अपनी याददाश्त के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने गए हैं। और यही बात आपको मैं बता रहा था कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो सिद्धांत है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का जो काम क्या है वो आनंद ने ही किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ, एक मिनट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये लीजिएगा, दूसरा है महाकश्यप। अब ये महाकश्यप है, इनके बारे में पढ़ते हैं। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे। देखिएगा, महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत गौतम बुद्ध के नज़दीकी शिष्य बन गए थे। उन्होंने प्रथम बोध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए, जो महाकश्यप ये पहले ब्राह्मण रहे हैं और एक बार तथागत बुद्ध से साक्षात्कार हुआ और वहाँ पर ये बातें सामने आई कि जब उन्होंने कहा कि रीति रिवाजें होती हैं और यहाँ पर परमात्मा है और मंत्र उच्चारण से जो है हर चीज़ को संभव किया जा सकता है, तब तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि नदी के दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे हैं, इसे किसी भी आधार पर किसी भी सूरत में किसी भी मंत्र और जाप से इन दोनों किनारों को एक दूसरे के पास नहीं लाया जा सकता। जिस तरह से इन दोनों को एक पास नहीं लाया जा सकता, तो यहां पर मान लीजिएगा ये बिल्कुल ये सृष्टि जो ये प्रकृति है, सृष्टि है, इसके नियमों को भी नहीं बदला जा सकता। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है और यही सब कुछ है, यही वह परम परमात्मा है जिसकी आप कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यह बात महाकश्यप को बहुत समझ में आई और उन्होंने सबसे पहले जो प्रथम बोध अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता यहां पर महाकश्यप ने ही किया था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, रानी खेमा है। अब ये जो रानी खेमा है ये क्या है आपका, ये बिंबासार की पत्नी रही हैं। रानी खेमा बिंबासार की पत्नी होने के साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई और उन्होंने यहाँ पर आकर के संघ में काम किया। रानी खेमा सिद्ध धर्म संघनी थी, यह बिंबासार की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बन गई थी। यहाँ पर यह देखने में यौवन अवस्था से मतलब यह पहले से ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी और यह जब बिंदुसार से शादी होने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध से साक्षात्कार हुआ उसके बाद में आ करके यह शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुई कि आगे चल करके यह है जो है भिक्षुणी बन गई और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और यहाँ पर बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पर महाप्रजापति है। अब लीजिएगा, यहाँ पर महाप्रजापति की बात यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, महाप्रजापति जो है ये महामाया की बहन नहीं है और यानी कि यूं कहिएगा तथागत गौतम बुद्ध की माँ रही है जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है, क्योंकि जो तथागत गौतम बुद्ध की माँ रही हैं वास्तविक माँ हैं, उनकी जो है जन्म के पहले ही सप्ताह में मृत्यु हो गई थी और उसका जो उसके बाद में जो लालन पालन या पोषण किया है वो किसने किया, महाप्रजापति ने किया है। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी, इन दोनों में राजा सुधोधन से विवाह किया था। अब देखिएगा, दोनों बहनों ने ही राजा सुधोधन से विवाह कर लिया था यहाँ पर और दोनों को एक ही पुत्र प्राप्त हुआ, वो थे सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राहुल, और ना ही राहुल बचे ना ही सिद्धार्थ बचे और उसके बाद में यह वंश लगभग खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई, तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा सुधोधन की मृत्यु के बाद बोधमठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापति को स्थान दिया गया। देखिएगा, यहाँ पर जो सबसे पहला स्थान दिया गया, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के पास में बार बार ये चल करके जा रही थी और ये चाहती थी कि हम भी संघ में शामिल हो, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा और इन्हें कई बार वापस भेज दिया गया। लेकिन आगे चल करके जब इनको बार बार कहा गया तो यहां पर आनंद ने आग्रह किया कि भगवान आप इस बात को मान लीजिएगा और यहाँ पर बार बार माता आती है वापस लौट जाती हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर इन्हें स्थान दे देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर यह धर्म आपका 1000 वर्ष चलने वाला होगा तो महिलाओं की यहाँ पर आ जाने से, भागीदारी हो जाने से यह धर्म जो है आपका
पीछे मतलब आधी उम्र का ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के देख करके ये समस्या बढ़ती है। पुरुष और महिलाओं को देख करके कहीं ना कहीं अमोद प्रमोद के भाव में आकर के सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रंथ है लिखे हुए, त्रिपिटक है आपका, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृद्ध प्रयास है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में जगह दी गई है या रखा गया है, ठीक है, या प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में सूत्र सूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है और वर्ग को निकाय यानी कि सूत्र पिटक में खंड में सहमित किया गया है। निकायों को पिटक में अर्थात टोकरी में एकत्रित किया गया है। इस प्रकार से तीन पिटक निर्मित हैं जिनके संयोजन से त्रिपिटक कहा जाता है। और पिटक का मतलब होता है यहाँ पर टोकरी होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर टोकरी होता है। और यहाँ पर त्रिपिटक का मतलब है यानी कि त्रिरत्नों से जुड़ी हुई एक टोकरी, यानी कि तीन ग्रंथ इसमें एक साथ रखे गए हैं और इसे कहा गया है त्रिपिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा पाली भाषा का त्रिपिटक है ये जो लिखा गया है सारा। किसमें लिखा गया आपका, पाली भाषा में लिखा गया है सारा। और यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, थेरवाद है। अब देखिए यहाँ पर आप करेंगे, जैसे आपने देखा होगा, आपने जितने भी धर्म देखे होंगे उनके कई सारे संप्रदाय रहे, जैसे हिंदू धर्म में आप आ जाइएगा, यहाँ पर आप देखते हैं शैव धर्म था यानी कि शिव को मानने वाले लोग रहे हैं, वैष्णव धर्म विष्णु को मानने वाले लोग रहे हैं, और उसके बाद भागवत धर्म यानी कि भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग रहे हैं। ठीक, वैसे ही आप मुस्लिमों में चले जाएंगे तो वहाँ पर शिया और सुन्नी दो संप्रदाय होती हैं। ठीक वैसे ही आप जाएंगे, आप अगर चले जाएँ जैन धर्म में तो आप वहाँ पर क्या पाते हैं, वहाँ पर आप पाएंगे श्वेतांबर और आपका दिगंबर है। ठीक वैसे ही आप अगर यहाँ पर चलते हैं बौद्ध धर्म में तो यहाँ पर हीनयान और महायान जो है आपका मुख्य है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी सामने आता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर पाली भाषा का त्रिपिटक थेरवादी और नवयान बुद्ध परंपराओं में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लोआस, कोबोडिया, भारत आदि राष्ट्रों को बौद्ध धर्म अनुयायी पालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थेरवाद जो रहा है आपका नवयान के, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग बौद्ध को मानते हैं। ठीक है, ये आंकड़े आपको दिए जाते हैं जो यहाँ पर इसका 29% बताया जाता है, लेकिन कुछ आंकड़ों का मानना है कि 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर, 54 करोड़ है जो 7% आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पर देखेगा यहाँ पर बुद्ध परंपराओं में श्रीलंका, थाईलैंड, ये श्रीलंका आपका बाहर से जुड़ा हुआ ही देश है और इसे भारत का आंशु कहा जाता है। अगला आपका थाईलैंड है, थाईलैंड में म्यांमार के साइड में है, बाहर से लगभग जुड़ा हुआ है। बर्मा है आपका, लोआस है आपका, कंबोडिया है आपका, भारत आदि राष्ट्र को बौद्ध धर्म अनुयायी पालन करते हैं आपका। पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया है जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका संस्कृत का त्रिपिटक है वो आपका अनुपलब्ध है आपका, क्योंकि यह कहीं ना कहीं खत्म हो गया है या यह गुम हो गया है, या फिर जैसे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में आग लगने के बाद में यह जलकर के खत्म हो गया है, कुछ इस तरह के आप आंकड़े ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वर्तमान में संस्कृत त्रिपिटक प्रयोजन का जीवित परंपरा केवल नेपाल के नेवार जाति में उपलब्ध होता है। अब देखेगा नेपाल में नेवार जाति है जिसके पास में यह आपका संस्कृत त्रिपिटक मिल जाता है। इसके अलावा तिब्बत, चीन, मंगोलिया, अब देखेगा इसके अलावा तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, रूस आदि। अब यहाँ पर भी अगर देखते हैं तिब्बत में आप जाएंगे, चीन में आप जाएंगे, मंगोलिया में जाएंगे, जापान में जाएंगे, कोरिया में जाएंगे, वियतनाम में जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे और रूस में जाएंगे, तो यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं तो लगभग यहाँ पर भी आपको बौद्ध देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और अगर आप देखें मोटी मोटी बात मैं अगर करता हूँ तो 22 कंट्री ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं। ठीक,
ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देश में संस्कृत मूल मंत्र के साथ में स्थानीय भाषा में बोध साहित्य परंपरा पालना करते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर जो है ये आपके सामने है, जहां जहां से आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए बुद्ध की शिक्षाओं की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूल देशना यानी कि शिक्षा, हम देशना कहते हैं इसे, इसे देशना कहा जाता है शिक्षा को, क्या थी इस पर प्रचुर विवाद है। स्वयं बौद्ध में कालांतर में नाना संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ और वो सभी अपने को बुद्ध से अनुप्राणित मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान पाली त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक और सुत पिटक में संग्रहित सिद्धांतों को मूल बुद्ध देशना मान लेते हैं, जबकि आगे चलकर के आप यहाँ पर पाते हैं कुछ विद्वान स्वशिष्टावाद अर्थात महायान के सारांश को मूल देशना स्वीकार करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हीनयान और आपका महायान है, यहाँ पर आप देखते हैं जो हीनयान है और महायान है, इनमें ये भी है कि जो आपका महायान है वो क्या करता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास करता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं दोनों में अलग अलग यहाँ पर भ्रांति रखी गई है, ठीक है। एक में आप देखते हैं तो एक कहता है कि जो है तथागत गौतम बुद्ध जो है मनुष्य रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, तो दूसरा कहता है कि ये भगवान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मतभेद को लेकर के अलग किया गया। अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकालीन सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक करना चाहते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्राय असंभव समझते हैं। आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आप देखते हैं यहाँ पर आर्य सत्य है आपका अष्टांगिक मार्ग है। मैं आपसे कह रहा था तथागत गौतम बुद्ध ने जो दिया है अष्टांगिक मार्ग दिया है, जबकि ये अष्टांगिक मार्ग इससे पहले किसी ने नहीं खोजा था, सभी के पास में 7 मार्ग हुआ करते थे, और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि 8वां मार्ग भाई किसी ने नहीं खोजा है, तो उन पर उन्होंने कार्य किया और आगे चल करके उसे जाना और उसकी शिक्षा पूरे विश्व को दी, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर परिमिता पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 आर्य सत्य हैं। अब देखेगा यहाँ पर 4 आर्य सत्य हैं। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 5 यहाँ पर प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने होती हैं, आज इसको आप गहराई से जान लेंगे, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 4 आर्य सत्य होगा तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। देखेगा ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तथागत बुद्ध का पहला धर्म उपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, यानी कि उनके साथ में और भी साथी थे, तो जब तथागत गौतम बुद्ध वहाँ पर कर रहे थे तो वह उन्हें छोड़ करके चले गए थे कि यार ये सही से नहीं कर पा रहे हो, ये कभी नहीं कर पाएंगे, तो वह छोड़ करके चले गए। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध इस चीज़ को लेकर के सक्सेस हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों को ही ढूंढा और उन्हों को ही ज्ञान जो है यहाँ पर यानी कि धर्म उपदेश दिया यहाँ पर, ठीक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। अब कौन कौन से 4 आर्य सत्य यहाँ पर है, नंबर 1 दुख, यहाँ पर पहला है आपका दुख को यहाँ पर अलग कीजिएगा। दुख, इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बुढ़ा होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है आपका, यानी कि दुख है यहाँ पर, सभम दुखम, यानी कि सब जगह दुख ही दुख है, यानी कि उन्हें 4 आर्य सत्य को बताया कि यहाँ पर दुख ही दुख है। आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ पर आपको मोह माया है, आपका लालच है, वहाँ पर आपको दुख की अनुभूति होती है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर पाते हैं कि इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बुढ़ापा होने में, बीमार होने में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, पसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख होता है आपका। अगला है आपका दुख का कारण। अब देखेगा यहां पर दुख का कारण भी है, अगर दुख है तो उसका कारण भी है, बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। चाहे आप यही देख लीजिएगा कि मेरे पड़ोसी के पास में इतनी बड़ी कार क्यों है, तो यहां पर ईर्ष्या ने घर कर लिया है, तो यहां पर एक कारण पैदा हुआ कि ईर्ष्या आ गई है, और जहां पर कारण होता है वहां पर दुख आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो दुख का कारण
तृष्णा, यहाँ पर तृष्णा होगा आपका चाहत होगा, दुख का कारण है, और फिर ये सहशरीर करके संसार को जारी रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो सहशरीर है यहाँ पर संस्कार संसार को जारी रखते हैं और यहाँ पर ये समस्या आपके सामने आती है, यानी कि आपने अगर कारण पैदा कर लिए हैं तो आपके पास में दुख हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पर लेते हैं नंबर 3, दुख दिख यहाँ पर दुख निरोध है आपका। अब देखिए पहले में कहा गया कि सबसे पहला सत्य यहाँ पर है दुख है, नंबर 2 दुख है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो दुख का निरोध यानी कि दुख की रोकथाम भी हो सकती है। अब वो किस तरह से होगी यहाँ पर देखते हैं। दुख का निरोध, दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं जिन्हें अष्टांगी मार्ग कहा गया है, तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। यानी कि अगर आप दुख से परी होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मुझे कोई दुख ना हो, तो आप वहाँ पर इन 8 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा और आपको वहाँ पर दुख नहीं होगा। जैसे यहाँ पर चलते हैं ना, अभी इसमें बताएंगे 8 हो सकते हैं यहाँ पर मार्ग कौन सा है, मैं आगे बताऊंगा उसे। दुख निरोध का मार्ग तृष्णा से, अब देखिएगा दुख निरोध का मार्ग क्या है, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगी मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। यानी कि आपका जो अष्टांगी मार्ग है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप सभी चीज़ों को छोड़ देंगे, यानी कि जो आपके अंदर चलता है कि जैसे आपके अंदर मोह माया लालच है, अगर आप उसको करते हैं तो आप यहाँ पर सब चीज को त्याग देंगे और आपको यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए करते रहिएगा आप, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे यहां पर, दुख निरोध का मार्ग तृष्णा से मुक्ति अष्टांगी मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर, ये लीजिएगा। अब लीजिएगा यहां पर जो आपका देखते हैं अष्टांगी मार्ग क्या है आपका। अष्टांगी मार्ग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फॉलो करते हैं अगर आप चाहते हैं कि मुझे दुख से परे होना है। तो यहां पर देखिएगा बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। देखिएगा यहाँ पर अष्ट धर्म बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता है। ये दुख को पाने का, दुख निरोध को पाने का रास्ता होगा आपका। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि का होना जरूरी है, यानी कि वह कहता है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि होता है, यानी के वस्तु के वस्तु है क्या, इसकी जरूरत क्या है, यह किस तरह से उपयोग की जा सकती है, इसको किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, और यह समानता में कैसे देखी जा सकती है, इस पर अगर आप काम करते हैं तो यहां पर कहेंगे सम्यक दृष्टि है। वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है, आप उससे जरूर से ज्यादा अपेक्षा करते हैं तो वहां पर आपको दुख का होना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर सम्यक कल्पना है, संकल्पना है आपका, अशक्ति द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्पना है आपका। अगर आप यहाँ पर द्वेष भावना खत्म करते हैं, हिंसा खत्म करते हैं और विचारों से मुक्त होते हैं, ऐसे विचारों से अगर मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर आप सम्यक क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका तीसरा है सम्यक वाक है। अब लीजिएगा यहाँ पर आपका सम्यक वाक है, सदा सत्य तथा मृदुवाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक होता है आपका। यानी कि आप सदा सत्य बोलेंगे, मृदुवाणी बोलेंगे, मृदुभाषी रहेंगे, आप यहाँ पर मीठी वाणी बोलिए वाला दोहा प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे मीठी वाणी बोलिए मन कापक होए, औरन को शीतल करे अपहू शीतल होए, आप इसे भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहां पर आप जो है सदा खुश रहेंगे, दूसरे को ना तो बुरा बोलना है ना कोई आपको कुछ कहेगा, अगर कोई कहता है तो आप उसे सुनते हुए चुपचाप उसे कान दबा के निकल जाइएगा, वहां पर ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो वहां पर आप परेशान हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो अगला है आपका सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत क्या है आपका, इसका आशय अच्छे कर्मों से संलग्न होना तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है आपका। इसका आशय अच्छे कर्मों से संलग्न होना तथा बुरे कर्मों से परित्याग से है। सम्यक अजीवी, अजीव देखेगा, सम्यक अजीव है आपका, विशुद्ध रूप से सदाचार, सदा
चरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है आपका। सम्यक व्यायाम होगा आपका, अकुशल धर्म का त्याग तथा कुशल धर्म का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम होता है आपका। सम्यक स्मृति, अब देखेगा यहाँ पर सम्यक स्मृति से पहले एक बार देखेगा, अजीवन विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक अजीव है आपका। अब यहाँ पर व्यायाम की बात आपसे कर रहा है, अकुशल धर्म का त्याग तथा कुशल धर्म का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है आपका। अगला होगा आपका सम्यक स्मृति है। अब देखिएगा सम्यक स्मृति में क्या रखा गया है, इसका आशय वस्तु के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना चाहिए, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए, यानी कि आप जानकार मतलब इस तरह से मैंने कि हर एक चीज का आप यहां पर जो है उसे जाने और पहचाने कि यह चीज आपके लिए कहां तक आपके लिए हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए तो लीजिएगा यहां पर सम्यक समाधि है आपका। अगला है आपका सम्यक समाधि है, यहां पर चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है आपका। ठीक है, यहाँ पर एकाग्रता रखना, अपने टारगेट को जानना और केवल एक ही तरफ देखना, यह आपका यहाँ पर होता है आपका सम्यक समाधि की बात करता है। यानी कि जब आप समाधि लगा करके बैठते हैं तो आप ध्यान मगन हो जाते हैं और वहाँ से आपको मिलता है एक रास्ता जहाँ पर आप चिंतन मंथन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक होता है। अब देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपने इसमें से 4 फॉलो कर लिए, 5 फॉलो कर लिए, तो ये बेकार की बात है। आपको 1 by 1 कर करके 8 को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है, पहले स्तर को पाना आवश्यक है और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रज्ञा, सील और समाधि। देखेगा यहाँ पर मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रज्ञा है आपका नंबर 1, आपका यहाँ पर प्रज्ञा है आपका नंबर 2, यहाँ पर सील है आपका नंबर 3, आपका यहाँ पर समाधि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर पंचशील है आपके पास में। ठीक है, बौद्ध धर्म में पंचशील की बड़ी महत्ता है और यहाँ पर पंचशील का जो महत्व देखते हैं क्या करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। अब ये 5 जो पंचशील है, पंचशील यहाँ पर 5 शिक्षा देता, अब ये कौन कौन सी आपकी शिक्षाएं हैं, यह पाली भाषा में भी होंगी और मैं उसको फिर आपको यहाँ पर हिंदी भाषा में बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर हिंसा पाली में कहा है, हिंसा पाली में कहा है आपका पाणिता पाता वेरमणि शिक्षा पादम समाध्यामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, यह प्राणी हिंसा मैं नहीं करूँगा, और यह पहला यहाँ पर पालन होता है पंचशील सील का। ठीक है, अगला है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जो पालन है अस्त्यपाली में कहा गया है, यहाँ पर अस्त्यपाली में कहा गया है आद्यानादाना वैरमणि शिक्षा पादम समाध्यामी, अर्थात मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं चोरी डकैती लूट और यहाँ पर घूसखोरी इत्यादि चीज़ों से बचूंगा और मैं अपने आप को इनसे दूर रखूंगा और मैं इसका पालन करता हूँ। नंबर 3 है आपका यहाँ पर आपरिग्रह पाली में होगा आपका, यहाँ पर कामुसुमी छाचारा वेरमणि शिक्षा पादम समाध्यामी, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ है मैं व्यभिचार से वृत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यहाँ पर व्यभिचार की बात यहाँ पर करता है और इसे जो है वृत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला होगा, यहाँ पर सत्यपाली में कहा गया है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पादम समाध्याम में, अर्थात मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं जीवन में सदा सत्य बोलूँगा, मैं कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे अगर इस बात को कहा गया है तो यहाँ पर कहता है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पादम समाध्यामी, अर्थात मैं झूठ बोलने की व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर सभी नशों से व्रत रहने के लिए पाली में कहा गया है सूरा मेरिया मजा मजपामा
दठटाना वैरमणि शिक्षापादम समाध्यामि, अर्थात मैं पक्की शराब सुरा कच्ची शराब मेरिया नशीली चीजों मज्जा पाठाना के सेवन सेवित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर पांच सील दिए गए हैं जिन पर को अगर आप फॉलो यहाँ पर फॉलो करते हैं ये आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा की तरफ आपको लेकर के जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा यहाँ पर संप्रदाय की बात करें। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बौद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। संघ के नियम के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण पश्चात संघ का आकार में व्यापक वृद्धि हुआ है। इस वृद्धि के पश्चात विभिन्न क्षेत्र संस्कृति सामाजिक अवस्था दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध धर्म से आबुद्ध हुए हैं और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही अंगुत्तर निकाय के कालम सूत में बुद्ध ने अपने अनुभवों के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने यहाँ पर भिक्षुओं के लिए जो कहा गया है उनके लिए 10 नियम बताए हैं जबकि उपासकों के लिए यहाँ पर 5 नियम बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अतः विनय के नियम में परिमार्जन परिवर्तन स्थानीय सांस्कृतिक भाषिक पक्ष व्यक्तिगत धर्म का स्वतंत्रता धर्म के निश्चित पक्ष में ज्यादा व कम जोड़ आदि का कारण से बुद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय व संघ में परिमार्जित हुआ है। वर्तमान में इन संघों में प्रमुख संप्रदाय या पथ थेरवाद महायान और ब्रजयान है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय है जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित है। देखेगा जो भारत में आपको देखता है नीवयान संप्रदाय है तो यह किसके द्वारा है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा यहाँ पर दिया गया है जो भारत में यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, उसमें अलग से और कुछ नियम जोड़े गए हैं जिसमें आप 22 प्रतिज्ञा भी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। आगे है थेरवाद है यहाँ पर। अभी आपका थेरवाद है, आपका थेरवाद बुद्ध के मौलिक उपदेशों की मानता है। ठीक है, यहाँ पर मौलिक उपदेशों को मानता है जैसे श्रीलंका थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लोस बांग्लादेश नेपाल आदि देशों में थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पर आप जो आपके पड़ोसी देश है बर्मा है आपका नेपाल है श्रीलंका है थाईलैंड है और म्यांमार है यहाँ पर आप देखते हैं थेरवाद आपका यहाँ पर होता है। आगे बढ़ेंगे महायान की बात आप यहाँ पर करते हैं। महायान और हीनयान की आप यहाँ पर बात करेंगे। महायान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का पालन नहीं करता, बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्व की पूजा करता है। अब देखेगा यह महायान जो है यह कहता है कि यहाँ पर केवल एक ही बुद्ध नहीं हुए बल्कि वो अलग अलग लोगों की भी पूजा करते हैं और उनको भी मानते हैं। तो यह आपका महायान होता है, हजारों बोधिसत्व की पूजा करते हैं। महायान में बुद्ध की पूजा करते हैं चीन जापान उत्तर कोरिया वियतनाम दक्षिण कोरिया आदि देशों में प्रभाव है। तो यानी कि यहां पर ये पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देते हैं जबकि हीनयान ऐसा नहीं मानता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है यहां पर ब्रजयान है। तो ब्रजयान ये देखिएगा ब्रजयान को तिब्बत तांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। भूटान में राष्ट्रीय धर्म भूटान तिब्बत और मंगोलिया में प्रभाव रहा है इसका। अगला यहां पर बढ़ते हैं, क्लास बस आपकी खत्म होने की तरफ है। ठीक है, लीजिएगा नवयान है आपका। डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों का अनुसरण महायान ब्रजयान और थेरवाद से भिन्न सिद्धांत भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र में प्रभाव में आपका देखा जाता है और यह डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्वभर में 5 मुख्य तीर्थ माने जाते हैं। आपका नंबर 1 आपका लुम्बिनी है। लुम्बिनी को अगर देखते हैं आप जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नंबर 1 बात आपके यहाँ पर होती है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया, यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि ज्ञान की प्राप्त हुई है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, 2 मिनट। इसके बाद में है सारनाथ जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया और कुशीनगर जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। दीक्षा भूमि नागपुर जहां पर भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपके यहां पर है जो बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर तथागत गौतम बुद्ध से जोड़ी गई है। इसमें आगे है लुम्बिनी की अगर बात करते हैं तो माया देवी मंदिर लुम्बिनी नेपाल, यह स्थान नेपाल की तराई में नेतवानवर रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी, गोरखपुर गोड़ा लाइन से सिद्धार्थ नगर स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अब तो सिद्धार्थ नगर से लुम्बिनी तक पक्की सड़क भी बन गई है और ये आप देख सकते हैं ये पूर्व 683 में राजकुमार सिद्धा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी बातें आपको मिलती है और यहाँ पर देखेगा तो ये आपका था आज तथागत गौतम से जुड़ा हुआ। ये क्लास आप
आपकी कैसी लगी है और ये कैसा आपका अनुभव रहा। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। और अगर आप और अच्छा चाहते हैं कोई अलग से टॉपिक जानना कि सर आप इस पर पढ़ाइएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लीजिए लिख दीजिएगा, मैं उस पर जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर ऐसा किया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अनुमति, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।